नमस्कार दोस्तों, मैं वारसी सर और मैं आज आपको अपने इस चैनल सागर एकेडमी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर एसएससी की क्लास चलाए जाएं, पूरे क्लास चलाए जाएं। तो सर ने इसी वजह से मुझसे ये बात कहा कि एक बार एसएससी के सिलेबस पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस संस्थान में नहीं पढ़े हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा, जो अभी शायद इंटर के बाद आए होंगे, जो अभी पहली बार एसएससी कमीशन से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा वीडियो होना चाहिए कि इस परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनको कैसे तैयारी करना है, क्या क्या लेवल इसके होते हैं। इसी वजह से विद्यार्थियों, आज का वीडियो एसएससी, जो कि बहुत बड़ा कमीशन है और बहुत अच्छे अच्छे पदों को निकालता है, इस कमीशन के ऊपर मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है एसएससी। तो एसएससी क्या है, इसके फुल फॉर्म पहले आप समझ लीजिए। एसएससी का फुल फॉर्म विद्यार्थियों होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात कर्मचारी चयन आयोग, अर्थात इस कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है। जिसके लिए ये कमीशन करता क्या है, ये कमीशन दो तरह की योग्यताओं को रखने वाले विद्यार्थियों का चयन करता है, जिसमें पहला 10+2 जो इस योग्यता को रखता है उनके लिए पद निकालता है, और जो दूसरा होता है वो ग्रेजुएशन, जिसको आप लोग अक्सर बीए वगैरह भी बोलते हैं, बीएससी हुआ, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाता है। तो विद्यार्थियों, ये दो योग्यताओं को रखने वाले विद्यार्थियों का चयन एसएससी कमीशन करता है। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि 10+2 के माध्यम से जो आप जॉब पाते हैं उसमें आप क्लर्क बनते हैं, और जो ग्रेजुएशन योग्यता रखने के बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के लेवल पर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आप लोग ऑफिसर ग्रेड का जॉब पाते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, आइए हम चर्चा करता हूँ कि एसएससी कमीशन कैसे प्रश्न पूछते हैं, इसमें कितने विषय होते हैं, कितने लेवल को पार करने के बाद हम लोग एसएससी द्वारा जो पद निकाले गए हैं उनमें हम कैसे चयनित हो सकते हैं, इस पर मैं आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस वगैरह, देखिए मैं पहले से भाई लिख के रखा हूँ, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जिनको आपको समझना होगा। तो आपको बताना चाहता हूं, मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूं कि यहां प्री और मेंस, एसएससी क्या करता है, अपने पदों को भरने के लिए दो तरह की आपके लेबल, मुख्य रूप से अगर बात मैं करूं तो दो तरह के लेबल को क्रॉस करने के लिए आपसे कहता है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जो कमीशन जब पहली बार ये गठित हुआ था, तब ये कैसे प्रश्न पूछता था और आज ये कैसे प्रश्न पूछ रहा है, मैं इन सारी बातों पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले, अर्थात अगर मैं कहूं बिफोर, जब ये कमीशन गठित हुआ तब एसएससी अपने परीक्षाओं को कैसे पूछता था, उस पर मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद वर्तमान में अब नाउ अब कैसे ये प्रश्न जो है पूछ रहा है, मैं इन दोनों बातों पर चर्चा करूंगा, जिससे आप अपडेट रहें कि क्या चेंजिंग आया है। तो विद्यार्थियों, जब एसएससी कमीशन गठित हुआ तब ये करता क्या था कि चार विषयों से प्री में क्वेश्चन पूछता था और दो विषयों से मेंस में। कौन कौन विषय थे, देखिए प्री एग्जाम जो आप कह सकते हैं, पहली बार जो आप एग्जाम देते हैं उसमें आपका सब्जेक्ट के रूप में आपका इंग्लिश होता था, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये चार विषय प्री में आपको दिखाई पड़ेंगे, उस समय पढ़ते थे, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आपका 50 होता था, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते थे 50 होता था, और इसमें मार्क्स जो मिलते थे वो भी 50 ही मिलता था, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक ही नंबर दिया जाता था, ठीक है। अब अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ्स में आप देख सकते हैं, मैथ में भी 50 क्वेश्चन होते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होता था, और इसमें जो मार्क्स मिलता था वो आपका कितना होता था 50, अर्थात यहां भी अगर कोई एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे तो उसके लिए आपको एक नंबर मिलता था। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते थे 50, और जो नंबर आपको मिलते थे, मार्क्स मिलते थे, वो भी 50, अर्थात सेम प्रोसेस यहां पर था। जीएस के भी क्वेश्चन आपके 50 होते थे
और मार्क्स जो मिलते थे इसमें आपको इसमें भी 50 मिलता था। अर्थात अगर यहाँ काउंट किया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके हैं कितने हैं, वो 200 होते थे पहले, और मार्क्स भी आपको कितना मिलता था, 200। ये पहले कित जो है पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। जब SSC कमीशन गठित हुआ था उस समय ये अपना सिलेबस इस तरह से उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ मेंस की अगर बात करें हम, कुछ परीक्षाओं में जो है मेंस भी हुआ करता था, तो मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश का 200 होता था, जिसमें मार्क्स भी आपको 200 ही मिलते थे। अर्थात इंग्लिश के एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक ही नंबर आपको मिल सकता है। मैथ्स में क्या होता था, आपको 100 क्वेश्चन होते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता था, लेकिन जो मार्क्स मिलता था वो आपको 200 ही मिलता था। अब यहाँ देखिए, देख सकते हैं क्या फर्क आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अगर मैथ्स में एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं मेंस में, तो ऐसी दशा में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर 2 नंबर मिलते थे। अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंस में आपके कितने हो गए, 300, लेकिन जो मार्क्स आपके हैं वो आपके 400 हो जाते हैं। तो अब तक आप देख सकते हैं, मैं पहले के बारे में बता रहा हूँ, जब SSC कमीशन गठित हुआ था तो इनका सिलेबस कुछ इस तरह से होता था। और आपको बता दूं कि कुछ परीक्षाओं में मेंस आपको नहीं मिलेगा, उसके बारे में आगे हम लोग क्लास के दौरान चर्चा करते रहेंगे, अभी मैं थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें बता दे रहा हूँ। अब देखिए, ये तो मैंने पहले के बारे में बता दूँ, अब इस समय वर्तमान समय में ये परीक्षाएं कैसे हो रहा है और क्यों, दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। तो विद्यार्थियों, आखिर क्या वजह था कि जो है अब वर्तमान समय में SSC ने कुछ परिवर्तन क्यों कर दिया, तो इसके पीछे कारण देखिए विद्यार्थियों क्या था। एक्चुअली में तमाम प्रकार की ये जो परीक्षाएं हो रही थी शुरुआत में, तो भाई इतने ज़्यादा विद्यार्थी होते नहीं थे, तो हम एग्ज़ाम बहुत आराम से कंडक्ट करा लेते थे। लेकिन कमीशन में देखा कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट आने लगे कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही नहीं पा रहे थे, और तमाम प्रकार के धांधली भी होने लगे। इसकी वजह से SSC कमीशन ने कुछ नया काम करना चालू कर दिया, जिसमें वर्तमान समय उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन को अब कम कर दिया। याद रखिए, सिलेबस नहीं चेंज हुआ वर्तमान समय में, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन को ही इन्होंने कम किया। उसके पीछे कारण यही था कि तमाम प्रकार के चीटिंग होते रहे। और एक और कारण देखा जाता है कि पहले आपका जो है पेपर पे जो है क्वेश्चन पेपर जो है मिलता था आपको, अर्थात आप कह सकते हैं कि जैसे आप हाई स्कूल इंटर में पेपर देते हो उस तरह से पेपर होता था, लेकिन वर्तमान समय में अब ऑनलाइन होने लगा है। और ऑनलाइन होने की वजह भी कह सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसके वजह से उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में इन्होंने सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं किया, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो है इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। यही इतना फर्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्या अंतर हुआ कि पहले जहां पर देखिए 50-50 का रेशियो उन्होंने बनाया था प्री एग्जाम में, वहीं पर अब क्या किया इन्होंने, अब इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सारे 25 हो गए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हो गए, GS का भी आपका 25 ही हो गया। बस इन्होंने इतना ही थोड़ा सा अंतर वर्तमान समय में इन्होंने, केवल अगर हम बात करें वर्तमान समय का, तो वर्तमान में जो है इन्होंने केवल इतना ही अंतर किया, बाकी घबराएं नहीं, सिलेबस नहीं बदला हुआ है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन को उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। अब ऐसे दशा में देखिए, एक खास चीज आप यहां नोटिस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम हुआ लेकिन मार्क्स नहीं कम हुआ। पहले जहां पर 50 के रेशियो जब क्वेश्चन बनते थे तो वहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर एक नंबर मिलता था, लेकिन अब वर्तमान समय की बात करें तो ऐसी दशा में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 100, लेकिन जो मार्क्स आपको यहाँ मिले कितने, 200, क्लियर। अब आप कहेंगे सर मेंस में क्या परिवर्तन हुआ, प्री में तो आपने दर्शा दिया कि वही कुछ बदला उदला नहीं है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए हैं। तो विद्यार्थियों, मेंस में अगर बात करूँ तो मेंस में आज भी वर्तमान में भी कुछ बदलाव नहीं किया गया, ठीक है। वर्तमान में सेम जो पहले था मेंस का पेपर, वो आज भी उसी तरह से कराया जा रहा है। आज भी इंग्लिश के 200 क्वेश्चन हैं और मार्क्स 200 मिल रहे हैं, मैथ्स के 100 क्वेश्चन हैं और 200 आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और इसी के आधार पे आपको तैयारी करना है। और एक खास चीज़ आपको थोड़ा सा, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जब SSC कमीशन गठित हुआ था तो प्राय SSC करता क्या था, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकालता था, अलग अलग नोटिफिकेशन निकालता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको इनकम टैक्स के लिए कोई जो है पद को भरना है तो इनकम टैक्स का अलग हो जाता था।
सेक्शन ऑफिसर का उसको निकालना, तो सेक्शन ऑफिसर का अलग करवा देता था एग्जाम। तो पहले अलग अलग पद के लिए अलग अलग आपके जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता था, अर्थात एसएससी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फॉर्म निकालता था। लेकिन वर्तमान में विद्यार्थियों बहुत सारी चीज़ें बदल गया। क्या बदल गया, हुआ क्या कि जब ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फॉर्म निकाला, तो मैंने भी इसके पहले भी आपको बताया कि इतने सारे विद्यार्थी, पूरे देश के इतने विद्यार्थी इसमें जुड़ने लगे एसएससी कमीशन में, कि कमीशन को अब क्या बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ा। कितना एग्जाम कंडक्ट करता, कितना सेंटर वो जो है पे एग्जाम कराता पूरे, देखिए आप कभी उस समय, अगर आप लोग जो कुछ विद्यार्थी अगर यहाँ पर वीडियो को जो देख रहे हैं, जो पुराने विद्यार्थी, उनको पता होगा कि पहले एक संडे हो जाता था, तो जो है फिर जो है मुझे लगता पेपर ख़त्म हो जाता था एक संडे में। लेकिन इस समय क्या है, एक संडे छोड़िए, दो दो मीटिंग एग्जाम हो रहा है, हर संडे हो रहा, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी एसएससी कमीशन जुड़ने की वजह से इनके सामने बड़ी समस्या आ गई कि अब जो है इतना हम कैसे एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे। तब इन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं कि अब हम लोग अलग अलग पद के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं निकालेंगे, अब हम करेंगे क्या कि एक योग्यता को रखने वाले विद्यार्थियों के जितने भी फॉर्म्स, जितनी भी वैकेंसी, सबको एक कर लिया जाए। अब देखिए जैसे इनकम टैक्स वाला था, क्या था इसमें ग्रेजुएशन चाहिए था, सब में ग्रेजुएशन वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी पद थे जहाँ वो अलग अलग जो है निकालता था फॉर्म, अब वो कर क्या रहा है, कर हम सबको एक कर देंगे। और एक करने के नाते उसने एक नया वर्ड यूज किया जो सबसे ज़्यादा ये वर्तमान समय में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इस नाम का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका नाम है CGL। CGL अक्सर आपने सुना होगा, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं हम CGL की तैयारी कर रहे हैं। CGL की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। CGL एक कोडिंग वर्ड होता है, ये बाद में आया जब एसएससी कमीशन गठित हुआ था, तो उस समय CGL वर्ड नहीं यूज हो रहा था। CGL का आप मतलब ही समझ लीजिए, CGL का मतलब कि C फॉर कंबाइन, G फॉर ग्रेजुएट, L फॉर लेवल। अब इन्होंने क्या किया, जो ग्रेजुएट लेवल पे जितने भी वैकेंसी थे उनको कंबाइन कर दिया, जहां अलग अलग फॉर्म निकालता था अब उनको मिला करके CGL नाम से कह दिया, कह रहा कि अब हम लोग ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी पद होंगे सबकी परीक्षा एक करा देंगे। और आपको पता होगा जो लड़के फॉर्म भरते होंगे, अब सारे पद की एक लिस्ट आपको दिखाई पड़ता होगा, जहां कैफे वगैरह आप जाते होंगे तो वहां पर उन पदों को आपको चयनित करना होता है। अब आप अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर जितने भी पद होंगे सबको CGL बना दिया गया, अर्थात वो कंबाइन करके एग्जाम आपसे कराएगा, और उसमें जिस पद को आप चुने होंगे उसी के माध्यम से, आप चाहे इनकम टैक्स चुनेंगे तो इनकम टैक्स में जाएंगे, सेक्शन ऑफिसर में होंगे तो सेक्शन ऑफिसर में जाएंगे। तो इस तरह से ही जो है काम कर रहा है। तो मैं एक बहुत ही इन शॉर्ट में आपको कुछ समझाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, केवल आपको यहाँ सिलेबस के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत थी कि सिलेबस क्या है एसएससी का, जिससे कि जो क्लास यहाँ कंटिन्यू होने वाला था उसमें आप लोग जानते रहें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बाकी चीज़ें जो है आगे क्लास में सर आपको बताएंगे, संस्थान के डायरेक्टर आपको सब कुछ बताएंगे कैसे कौन से क्लास कब चलेंगे। तो ये कंटिन्यू होने वाला है, अभी सब कुछ डेमो ही चल रहा है। तो विद्यार्थियों उम्मीद है कि आप लोग जो नए विद्यार्थी विशेषकर, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर ये विशेषकर ध्यान दिया गया कि नए विद्यार्थी जो जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए बनाया जाए, तो ये बहुत ही शॉर्ट में हमने चीज़ों को समझा दिया। ये आपका विषय है, इसमें ऐसे नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें,